Recently, most hyped and most discussed IPO of year 2021, which is Zomato, is closed, and people are now very excited for the allotment status and the listing gains of this particular IPO. लेकिन Zomato के साथ साथ Grill and Clean Science ये जो IPO है ये आने वाले मंडे को लिस्ट होने के लिए रेडी है. सो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इन तीन IPOs को लेके. क्या इनका लिस्टिंग प्राइस होने वाला है एंड लिस्टिंग के बाद इनको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. दोस्तों, किसी भी आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस है वो डिपेंड करता है उस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, यानी कि कितना डिमांड मार्केट से आया है उस आईपीओ के लिए. इसके साथ साथ मार्केट सेंटीमेंट्स क्या है उस पर्टिकुलर कंपनी को लेके, मार्केट सिचुएशन क्या है, यानी ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है एज वेल एज इंडियन स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है, ये भी निर्भर करता है या फिर ये भी इम्पैक्ट करता है वो आईपीओ के लिस्टिंग को. एंड इसके साथ साथ आपको और एक पैरामीटर हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि इसका लिस्टिंग पॉजिटिव में हो सकता है या फिर नेगेटिव में हो सकता है, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम. However, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये बहुत वोलाटाइल होता है एंड एक अनरिलायबल सोर्स हो सकता है बिकॉज इसका कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होता है. सो इसको मैं ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ. तो आइए देखते हैं पिछले तीन महीने के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, यानी कि मार्केट से इनको डिमांड कैसे आए हुए हैं. नाउ अगर आप देखोगे जोमेटो का जो आईपीओ है ये 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जहाँ पे जीआर इंफ्रा का जो आईपीओ है ये 103 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था. क्लीन साइंस का जो आईपीओ है ये लगभग 94 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था. एंड अगर आप बाकी की भी आईपीओज देखेंगे तो उसी रेंज में है. सबसे ज़्यादा इसके बाद जो आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला था वो श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी को मिला था. बाकी जो आईपीओज थे वो 4 गुना 3 गुना ऐसे कुछ सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. नाउ ये तो हो गई मार्केट से डिमांड. नाउ अगर आप देखोगे तो जोमेटो को आप कह सकते हो कि 38 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है, जहां पे जीआर इंफ्रा का जो है आपको 102 गुना दिख रहा है, क्लीन साइंस का 94 टाइम्स दिख रहा है. तो कंपेयर करेंगे तो जोमेटो का जो है बहुत कम सब्सक्रिप्शन मिला है ऐसे आपको लगेगा. नाउ ये लगना जायज़ भी है जस्ट बाय लुकिंग एट दी सब्सक्रिप्शन टाइम्स, लेकिन ये जो है कंपेयर करने का तरीका गलत है बिकॉज इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि वो आईपीओ का इशू साइज़ क्या है. नाउ अगर आप आईपीओ का इशू साइज़ देखोगे, जीआर इंफ्रा जो आईपीओ है ये 1000 करोड़ का आईपीओ है, जहाँ पे जोमेटो जो है ये लगभग 9500 करोड़ का आईपीओ है. सो 9.5 टाइम्स बड़ा ये आईपीओ है, जहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे बाकी आईपीओज की, क्लीन साइंस का आईपीओ जो है 1600 करोड़ का है एंड बाकी जो पावर ग्रिड जैसा आईपीओ है ये जोमेटो के बाद इसका नंबर लगता है, विच इज़ 7735 करोड़ का ये आईपीओ था. नाउ अगर मैं इसके सामने जो मार्केट से डिमांड आई है वो प्लॉट करता हूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. नाउ जोमेटो का जो आईपीओ है ये 9375 करोड़ का आईपीओ, ये लगभग 9500 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि इतने करोड़ कंपनी को मार्केट से एक्सपेक्टेड थे, लेकिन मार्केट इनको 38 गुना ज़्यादा ऑफर कर रहा है. जहाँ पे जीआर इंफ्रा की बात करेंगे, इनको 1000 करोड़ मार्केट से चाहिए थे, इनको 103 गुना ऑफर आया हुआ है. एंड क्लीन साइंस जो है इनको 1600 करोड़ का एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन उनको 94 टाइम्स ज़्यादा ऑफर आया हुआ है. नाउ आपको इस तरीके से एनालाइज करना है कि बाबा पब्लिक का इंटरेस्ट कहाँ पे है. नाउ क्लियरली अगर आप ये सारे जो है चार्ट्स देख रहे हो तो यहाँ पे नज़र में आपको आ रहा है कि जोमेटो जो है इतना ज़बरदस्त इनका इशू साइज होने के बावजूद मार्केट से और भी ज़्यादा ऑफर इनको आए हुए हैं. सो ये तीन आईपीओज में से लिस्टिंग किसका बेहतर रहेगा ये अब तक तो आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा. नाउ इसके साथ साथ देखते हैं कि ये जो प्रीवियसली लिस्टेड आईपीओज है इनका सब्सक्रिप्शन ट्रेंड कैसा था एंड इनका लिस्टिंग गेन्स कैसे दिए हुए हैं इन्होंने. यू कैन रेफर दीज टू कॉलम्स फॉर लिस्टिंग गेन्स, जहाँ पे ओपनिंग बेसिस एंड क्लोजिंग बेसिस पे लिस्टिंग गेन्स मैंने दिए हुए हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स आपको क्लोजिंग बेसिस पे आए हुए हैं, जो कि 42% के गेन्स दिए हैं डोडला डेयरी ने, जिनको 45 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला था आईपीओ के अगेंस्ट उनके. नाउ जहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे अच्छा जो है किम्स ने परफॉर्म किया है, 33% का आपको लिस्टिंग गेन दिया है इन दी ओपनिंग इटसेल्फ, जहाँ पे इनका आईपीओ अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था. इशू साइज़ इनका लगभग 2000 करोड़ का था, लेकिन ओवर सब्सक्राइब ना होने के बावजूद इनको जो है लिस्टिंग गेन्स काफ़ी अच्छे मिले थे. सो एज आई सेड कि देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, कि सब्सक्रिप्शन सिर्फ नहीं देखना है आपको, मार्केट सेंटीमेंट्स भी देखना है. इस कंपनी का पॉपुलैरिटी भी काफ़ी अच्छा था, प्लस जो फील्ड में ये कंपनी काम करता है, इट्स अ मेडिकल साइंस फील्ड में ये काम करता है, जो कि अभी फिलहाल कोविड के
वजह से ये फार्मा इंडस्ट्री एज वेल एज दी मेडिकल इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी बूम में है, तो इसका इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाकी सारा सब्सक्रिप्शन जो है आपको स्टेटस जो है पता चल ही रहा है। नाउ कंपेयर टू ऑल दीज IPOs, अगर हम लोग बात करेंगे GR इंफ्रा, क्लीन साइंस एंड इसके साथ साथ अगर Zomato की बात करेंगे तो इनका सब्सक्रिप्शन काफ़ी तगड़ा रहा है। जो अब हमने कहा था डिमांड एंड सप्लाई की बात की थी, उनका ये जो है मार्केट से डिमांड देखो कितने करोड़ की है। तो लिस्टिंग के दिन पे ये जो IPOs है ये बेहतर परफॉर्म करेंगे ऐसी उम्मीद ज़रूर है। अगर आप शाम मेटालिक्स का भी सब्सक्रिप्शन देखते हो तो 121 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था, जहाँ पे इसने लिस्टिंग गेंस जो है 25% के दिए हुए हैं एंड क्लोजिंग बेसिस पे देखते हुए तो भी 23% के लिस्टिंग गेंस मिले हुए हैं। नाउ इसके साथ साथ और एक पैरामीटर आपको बता देता हूँ, विच इज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम। नाउ ये तीन IPOs का ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप चेक करोगे, Zomato फिलहाल इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 18 रुपया, यानी कि 76 रुपीज़ का जो इशू प्राइस दिया हुआ है इसके ऊपर 18 रुपीज़ चल रहा है, सो प्रीमियम जो है लगभग 24% के आसपास है। क्लीन साइंस 605 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो कि ओवर एंड अबव 68% के आसपास है, एंड GR इंफ्रा का 515 रुपया, यानी कि 62% के आसपास इनका प्रीमियम में चल रहा है। ना इससे आपको और एक अंदाज़ा लग जाता है कि आने वाले टाइम में इनका लिस्टिंग कैसे हो सकता है। ना इफ़ यू सी केयरफुली, यहाँ पे Zomato का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है सिर्फ 24% ऊपर है, जहाँ पे ये जो दो कंपनियाँ हैं इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 60% के ऊपर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है Zomato का वो थोड़ा वीक है, कंपनी हैज़ बीन मेकिंग लॉसेस कंसिस्टेंटली, तो इसके वजह से वो ग्रे मार्केट के भी ऊपर उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, पब्लिक के डिमांड में इतना इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। सो यहाँ पे बात करेंगे अगर शॉर्ट टर्म की या फिर लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो Zomato आपको 30-40% तक के लिस्टिंग गेंस दे सकता है, एंड उसके बाद ये स्टॉक जो है हो सकता है कि इसमें बिकवाली आए एंड ये स्टॉक जो है नीचे आए। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है होल्ड करना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि बाय दिस स्टॉक इन द सेकेंडरी मार्केट, थोड़ा महंगा मिले तो भी चलेगा लेकिन एटलीस्ट आप उसको सस्टेन करने दीजिएगा, बिकॉज ये जो है एक इनिशियल हड़बड़ी में लोग जो है बाय करने जाएंगे। लिस्टिंग हो सकता है 75 का लिस्टिंग जो है 100-110 तक हो, एंड सडनली उसके बाद ये स्टॉक जो है फिर से 76 के भी नीचे चला जाए। सो दैट इज़ रीज़न यहाँ पे आपको थोड़ा Zomato के केस में अलर्ट रहना है। जहाँ पे बात आती है क्लीन साइंस एंड GR इंफ्रा के, इनके जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के ये काफ़ी अच्छे है। तीनों भी IPOs का जो मैंने डिटेल्स है ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, ऊपर कार्ड्स में भी लिंक है, तो उनके कंपनी फाइनेंशियल्स तीनों भी IPO के अगर आप चाहते हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ये दो कंपनी के कंपनी फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे होने के कारण यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा है, एंड दैट इंडिकेट्स कि इनका लिस्टिंग गेन भी काफ़ी अच्छा होगा। एंड लॉन्ग टर्म की अगर बात करेंगे तो इन लॉन्ग टर्म के लिए ये IPO जो है आप होल्ड करके रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, इनके स्टॉक्स जो है रख सकते हो, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। नाउ इसी के साथ साथ अगर मार्केट कंडीशंस की बात करते हैं तो निफ्टी जो है अपना ऑल टाइम हाई अभी रिसेंटली बना चुका है, सो आने वाले मंडे को ये एक्सपेक्टेड है कि अगेन इन बुलिश स्टेट ही रहेगा। सो अगर वैसा रहता है तो निफ्टी का बुलिशनेस जो है इट इज़ गोइंग टू हेल्प दीज पर्टिकुलर IPOs गेट सम गुड लिस्टिंग गेंस। तो इसके साथ साथ हम लोग ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो IPOs है ये अपने को काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन देंगे, जहाँ पे Zomato जो है आपको 30-40% दे सकता है, क्लीन साइंस जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 70-80%, इसके साथ साथ GR इंफ्रा भी मैं वही रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वेल ये तो हो गया मेरा स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन द डेटा विच इज़ अवेलेबल विथ अस, लेकिन मार्केट क्या करता है ये आपको जल्दी ही पता चलेगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ एक अलग वे ऑफ एनालिसिस कैसे करते हैं ये आपको देखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।